हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको आज माइग्रेन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सर दर्द आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब माइग्रेन को और बढ़ावा देने का काम करते हैं। माइग्रेन सर दर्द में एक बहुत ही कॉमन तरह का सर दर्द है, जो कि लगभग आधे से ज़्यादा सरदर्द के मरीजों में पाया जाता है। माइग्रेन लगभग 90% लोगों में अनुवांशिक होता है, पर सब में ये ज़रूरी नहीं है कि माता पिता को या भाई बहनों को हो तभी आपको होगा। माइग्रेन का मतलब ही आधे सर में दर्द होता है, तो ये एक तरह का वो सरदर्द है जो कि आधे सर में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल और केवल आधे सर में ही होगा। इस सरदर्द की खास बात ये होती है कि इसके साथ उल्टी का जी होना, उल्टी आना, या शोर से सरदर्द का बढ़ना, या बहुत रोशनी से सरदर्द का बढ़ना इसके साथ आमतौर पर पाया जाता है। माइग्रेन का सरदर्द अधिकतर लोगों में उनके शुरुआती जीवन में ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 10 साल से 20 साल की उम्र के बीच, और उसमें नहीं भी हुआ तो अधिकतर लोगों में 40 साल की उम्र तक जाते जाते सरदर्द की शुरुआत हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने बताया, सरदर्द के कुछ खास जो साथी लक्षण थे वो, अब कौन से लक्षण आपको ये खबर देंगे कि ये सरदर्द शायद माइग्रेन नहीं है। इनमें कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि सरदर्द के साथ बुखार का होना, एकदम कुछ ही दिनों का सरदर्द, ऐसा नहीं कि बहुत सालों या महीनों से हो रहा हो, अचानक शुरू हुआ सरदर्द आमतौर पर माइग्रेन नहीं होता। या फिर सरदर्द के साथ में कोई चेहरे की कमज़ोरी या हाथ पांव की कमज़ोरी आ रही है, या सरदर्द आपको रात को नींद से जगा दे रहा है, तो ये सारे वो लक्षण हैं जो कि ये दिखाते हैं कि शायद माइग्रेन नहीं है और हमें डॉक्टर की सलाह जल्दी से जल्दी लेनी है। अब हर माइग्रेन के मरीज में कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके सरदर्द को शुरू कर देती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको सरदर्द में आराम देती हैं। इन चीज़ों को पहचानना इसलिए बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें इलाज में सुविधा हो सके और हमारी दवा जल्द से जल्द कम हो सके। ये जो चीज़ें सरदर्द को बढ़ाती हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे नींद का कम लेना, नींद ज़रूरत से ज़्यादा लेना, भूखे रहना, खाने में कुछ अलग तरह के पदार्थ जैसे कि स्पेशली चाइनीज़ फूड लेना, बहुत ज़्यादा मेंटल या बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस, अचानक बदलाव हुआ टेम्परेचर, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में जाना या बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड में जाना, ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि आपके सरदर्द को शुरू कर देंगी। आराम पड़ने के लिए या तो गोली से ही आराम पड़ेगा, या अगर सो जाते हैं और उससे आराम पड़ जाता है तो ये भी एक लक्षण है कि आपको शायद माइग्रेन का ही सरदर्द है। माइग्रेन में अपनी तरफ से गोलियां दर्द की ले लेके खाना ये कभी एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप सरदर्द की गोलियां ऐसे ही लेके खाते रहेंगे तो कुछ वक्त बाद वो स्थिति आ जाती है जब वो सरदर्द की गोलियाँ ही आपके लिए सरदर्द का एक कारण बन जाती है, और उस वक्त फिर इलाज करना और मुश्किल होता है। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेके इलाज शुरू करें। माइग्रेन के इलाज में दो प्रमुख तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक तो वो जो कि हाथों हाथ उठे दर्द को कम करेंगी, और एक वो जो कि बार बार उठने वाले दर्द को कम करेंगी। दोनों ही शुरू करना आवश्यक है, और जैसा डॉक्टर बताएं उस हिसाब से दवा कुछ टाइम तक चलेगी, और फिर हमारी दिनचर्या के सुधार और दवाइयों के साथ मिलकर के माइग्रेन पे काबू आना मुमकिन है। एक बार माइग्रेन पे काबू आ गया तो आपकी दवा कम हो सकती है, पर अगर आप अपनी दिनचर्या फिर बिगाड़ेंगे तो माइग्रेन का सरदर्द फिर उठ भी सकता है। दवाइयों के सिवाय जो दिनचर्या में सुधार की आवश्यकता है उसमें खास बातें हैं, रात में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद होना, कोशिश करके हमारा खाने का वक्त, हमारा उठने का, हमारा सोने का वक्त लगभग एक रखना, अगर हो सके तो हमारे दिनचर्या में एक फिक्स्ड नियम के अनुसार डेली या तो मॉर्निंग में वॉक पे जाना या इवनिंग में वॉक पे जाना, जितना हो सके बहुत लंबे टाइम तक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ना बैठें, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन ना करें, जिन्हें अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग की आदत है ये भी कुछ चीज़ों कुछ लोगों के माइग्रेन के सरदर्द को बढ़ाते हैं, तो ये भी जितना कम लेंगे उतना अच्छा है।